ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जे जतबेळे वीडियो देखुछ अकॉर्डिंगली तुम सेम टाइम एडजस्ट कर। सपोज तुम वीडियो को देखुछ सकाळे तुम पे कौन रहइबो गुड मॉर्निंग। सपोज तुम वीडियो टाकु संध्या बेळे देखुछ तो कौन रहइबो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एक्सेट्रा। सुनो, आम ऑलरेडी याड बुझा फटाफट पार्टी नाही। आम ऑलरेडी इनकम टैक्स रो किछि बेसिक कांसेप्ट पढ़ी सारे, जथा असेसमेंट इयर कौन, प्रीवियस इयर कौन, पर्सन कौन, एक्सेट्रा, आउ इनकम टैक्स रो लॉ कौन कौन। इनकम टैक्स रो लॉ कहले प्रथम रहला कैप्टन किए, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तापर रहला सपोर्टिंग मेंबर कहले इंपोर्टेंट प्लेयर एमएस धोनी जहाँ नाम देते इनकम टैक्स रूल एंड एक्सेट्रा। आउ इनकम केमिति कंपटीशन हबो, प्रथम रेसिडेंटल स्टेटस कंपटीशन हबो, तापर टोटल इनकम पांचटा हेड रे आसीबो कौन कौन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, तापर ये सब जगह मिसी जीव। ये मिसले आम कह एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट इनकम क्लबिंग आसो, क्लबिंग सेटअप कैरी फॉरवर्ड आसपर डिडक्शन दिज्व, डिडक्शन पर जहाँ इनकम आसो आम कह टोटल इनकम। आ ये टोटल इनकम आम रेट मल्टीप्लाई कले कौन मिल जाव टैक्स अमाउंट, तो रेट सब कौटी मिल आनुआल फाइनान्स आक्ट्रे कौटी मिल फाइनान्स आक्ट्रे। तो आम बर्तमान देखा जो आमर जो आसेसमेंट इयर चलती 1920, आम आसेसमेंट इयर कौन चलती 1920, 1920 रेट अफ टैक्स कौन अच्छे। ओके, समस्ते बोर्ड को लक्ष्य कर, ना तुम निज निज मैट को लक्ष्य कर, जो लक्ष्य कर चुक शुण देखिपना कहीं किसी कहबन खाली शुण। ये बहुत बुढ़ा लोक बाड़ी धरिकी चलते आम कौन कह रेस्पेक्ट दे कि भेरी सीनियर सिटीजन, आम सब सिटीजन 60 वर्ष पर कौन जावा सीनियर सिटीजन, किंतु ये माने भेरी सीनियर सिटीजन। तो भेरी सीनियर सिटीजन माने जो मानकर एज 80 किंबा 80 रु अधिका से मानक आम कह भेरी सीनियर सिटीजन। नॉर्मल लॉजिक को ए मानकर रहिबा खाइबा मेडिसिन खर्च अधिका आज कंपेयर टू 30-40 वर्ष लोक तुलन में, हाँ कि नहीं, हाँ। तेणुक एम को अधिका अमाउंट छाड़ देवा उचित ना, एम को अधिका अमाउंट छाड़ देवा उचित, भेरी सीनियर सिटीजन मान को अधिका अमाउंट छाड़ देवा उचित। तो सीनियर भेरी सीनियर सिटीजन कौन अच्छी टैक्स रेट, भेरी सीनियर सिटीजन कहले जो मानकर एज 80 इयर और मोर आट एनी टाइम ड्यूरींग प्रिभस इयर, मन रख आसेसमेंट इयर रे एज नुह कौ वर्ष प्रिभस इयर, प्रीवियस ईयर रे कौनसी दिन जदि तुम 80 ईयर किंबा तठरु कोन हेगला एज अधिका हेगला ताहले तुम हो जीव भेरी सीनियर सिटीजन। प्रीवियस ईयर कहले आमे जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर पढ़ुचे माने आमे जो क्लास नौचे कौ प्रीवियस ईयर पे नौचे 1/4/18 टू 31 मार्च 19, जहाँ आसेसमेंट ईयर कौन 1/4/19 टू 31 मार्च 20। मना करते किसी कहबानी, हाँ कह धीरे धीरे कह सारे आम न कहले कमी बचू धीरे धीरे कह जो मत शुभवानी। तो 1/4/19 रु 31 मार्च 2020 ये हूँ आम कौ इयर आसेसमेंट इयर, 1/4/18 रु 31 मार्च 19 आम कौन प्रीवियस इयर। यही वर्ष भितर जदि कौन सी लोक को 80 किंबा 80 वर्ष रु अधिका हो गला तेल सी शेष वर्ष कौन हो भेरी सीनियर सिटीजन। सपोज मु कहली 1/4/18 जनकर एज हो गला 80, ताले से वर्ष कौन भेरी सीनियर सिटीजन। 1/4/18 दिन जनकर एज हो गला 82, तमाने तापूर वर्ष 80 था, तो फिर भी सी कौन भेरी सीनियर सिटीजन, कारण यही वर्ष तुमको सपोज मुझे पचार तुम एज के तुम कह सर आम एज 23, तमाने तुम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर पर तुम 80 किंबा 80 रु अधिका है कि तुम एज आंसर इज नो, तमाने तुम बर्तमान भेरी सीनियर सिटीजन है न। तो जो मैंने भेरी सीनियर सिटीजन से मानकर इनकम 5 लाख पर्यंत गवर्नमेंट किसी टैक्स नबनी। आउ ये लिमिट को आम कह मानी सब जगह आज जहाँ पढ़ुचे जीक पर्यंत गवर्नमेंट टैक्स नौनी कहते बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट, कौन कहते बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट। तो जदि तुम पचार ह्वाट आर द बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट फॉर भेरी सीनियर सिटीजन के 5 लाख, तो अप टू 5 लाख तुम गवर्नमेंट कौन से टैक्स नबार ना, गवर्नमेंट तुम्हें टैक्स नब जदि तुम इनकम 5 लाख रु कौन है अधिका, तमें अप टू 5 लाख टैक्स रेट इज नील बा 0%। इनकम 5 लाख रु एक्सीड कला मैंने से भेरी सीनियर सिटीजन हेले भी आम छाड़बानी गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट बहुत निष्ठुर, गवर्नमेंट मलापर लोक भी टैक्स नब, मरीगला लोक टैक्स भी नब, तो
केमी दिन तार प्रोविजन आगे पड़ो तो जो मानक इनकम भेरी सीनियर सिटीजन जब इनकम 5 लाख रु क्रॉस कला तमें स्टार्ट है कौटू 5 लाख एक तुम्हें कह सारे 5 लाख 50 पैसा है 5 लाख 50 पैसा है तो आसीज बट 50 पैसा पर टैक्स दब बुझिपाल कि नहीं तो 5 लाख पर्यंत कौन एक्जेम्प्टेड तापर जदि 50 पैसा बढ़ला भी 50 पैसा पर तुमको टैक्स देखें पड़ो बट ये मन रख इनकम राउंड ऑफ हो जाए 50 पैसा कनसीडर हेनी से राउंड ऑफ हो तो राउंड ऑफ रूल आम एपर्त पढ़ीने मुझे पढ़ेबी टैक्स केमी राउंड ऑफ हाँ इनकम केमी राउंड ऑफ हाँ सपोज इनकम अच्छी 9 टका ताकू तुम 9 कह इनकम कह 10 टका कौन कह 10 टका इनकम अच्छी 4 टका तेल इनकम 4 कहन के 10 नुह 0 कारण इनकम सब राउंड ऑफ हुए नियरेस्ट 10 को नियरेस्ट के 10 को तुम इनकम सपोज 19 टका तम तुम इनकम के हिसाब कर 20 इनकम सपोज 11 टका तो कैसे हिसाब हम 10 तो इनकम सब राउंड ऑफ हम के नियरेस्ट 10 तेणुक तुम कह सारे 5 लाख 1 आसे तो 5 लाख 1 आसे 5 लाख ही 5 लाख 2 टका इनकम है तो कैसे 5 लाख 5 लाख 3 टका इनकम है भी कैसे 5 लाख 5 लाख 6 टका 5 लाख 10 कनसीडर कर तेणुक इनकम राउंड ऑफ कह कैसे कह नियरेस्ट 10 को तो बुझ 5 लाख पर्यंत से टैक्स रेट 0 5 लाख को एक्सीड जी इनकम कला के 10 लाख तमें मुझे नेक्स्ट 5 लाख कौन कहीपर नेक्स्ट 5 लाख 20% टैक्स दब कत परसेंट 20% 10 लाख रु जदि अधिका है तमें बालान्स तमें कौन बालान्स 30% टैक्स केते परसेंट 30% मन रहा भेरी सीनियर सिटीजन कहले प्रीवियस ईयर रे जदि क्या 80 किंबा 80 रु एज कौन 80 किंबा 80 रु अधिका है तेल केत पर्यंत छाड़ मिल 5 लाख 5 लाख रु पुनी नेक्स्ट 5 लाख कहले 10 लाख पर्यंत केत परसेंट 20% 10 लाख रु जिते अधिका है 30% एम रेट मैंने रहा ओके तापर कहला रेसीडेट सीनियर सिटीजेन रेसीडेट सीनियर सिटीजेन कह सारे सी तो भेरी थे ये भेरी पलैला कौन आसीगला सीनियर सिटीजेन 60 किंबा 60 वर्ष जार अधिका है कि 80 रु कम 80 ही गले तुम कौन हो भेरी सीनियर सिटीजेन बट 80 रु कम कि केत रु अधिका 60 किंबा 60 रु अधिका बट के कम पूरा एक्जाक्ट 80 हेले पूरा एक्जाक्ट 80 हेले भेरी सीनियर नो पूरा कौन भेरी कारण ये अच्छे 80 और मोर पूरा एक्जाक्ट 80 हेले कौटे आसो भेरी सीनियर सिटीजन ओके 60 किंबा 60 रु अधिका बट के कम 80 रु कम ताले एत मेडिसिन तुम लग न कौ मैंने आज कंपेयर टू एम तुलन तुम एत मेडिसिन लग न तुमको बेस छाड़ दि जाए के छाड़े केजेमसन 3 लाख पर्यंत 0 3 लाख रु 5 लाख कहले नेक्स्ट 2 लाख 3 लाख रु 5 लाख कहले नेक्स्ट 2 लाख के परसेंट 5% 5 लाख रु अधिक हेल्ला नेक्स्ट 10 लाख पर्यंत के 20% मोर दैन 10 लाख हेल्ले 30% तो ये क्या रेट ना रेसीडेट ये भी कौन अच्छी रेसीडेट रेसीडेट सीनियर सिटीजन भेरी सीनियर सिटीजन आउ रेसीडेट सीनियर सिटीजन तुम कह सर ये रेसीडेट कौन दि प्रकार स्टाटस रेसीडेट नॉन रेसीडेट तो नॉन रेसीडेट है आ भितर आसवनी कहल जड़े नॉन रेसीडेट तार एज 89 आ भितर आसब आसवनी कारण ये स्लाब कापी रेसीडेट सीनियर सिटीजन मुझे कहली कि जनकर नॉन रेसीडेट एज 89 तमें ये स्लाब रे आसवनी कौटे आसव देखा एवं आसला फर अदर इंडिविजुअल फर अदर इंडिविजुअल कहले जो मैंने ये दुटाक भितर आसिले ये दुटाक भितर किए किए रे रेसीडेट 80 कि मोर रेसीडेट 60 कि मोर मन रख मैं कह कि 80 कि मोर 60 कि मोर भेरी सीनियर सिटीजन ना सीनियर सिटीजन तो ये कह रेसीडेट सीनियर सिटीजन ये आसला रेसीडेट भेरी सीनियर सिटीजन ये आसला रेसीडेट सीनियर सिटीजन ये आसला रहा किए रेसीडेट जी भेरी सीनियर नुह कि सीनियर नुह ता मैंने नॉर्मल रेसीडेट आम मैंने नॉर्मल रेसीडेट ता सहित आउ रहा नॉन रेसीडेट आउ रहा किए नॉन रेसीडेट नॉन रेसीडेट 80 इयर हो कि मोर हो कि 60 हो कि 60 रु कम हो
कारण ऑल नॉन रेसिडेंट ये पलि आसबे कौटी अदर आगे बुझीद बुझीगला सिचुएसन तुम सामने रखी तुम कह सारे ये रेट लगे कह तो अदर इंडिविजुअल आउ किए एच यू एफ आउ किए ईओपी आउ किए बीओआई आउ किए एजेफ देख या भितर आसला रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट हो बा नॉन रेसिडेंट हो से मानकर 250,000 पर्यंत छाड अप टू 2,50,000 2,50,000 रु 5,00,000 कहले नेक्स्ट 2,50,000 केते परसेंट 5% 5,00,000 पर 10,00,000 पर्यंत केते 20% मोर दैन 10,00,000 30% मोर दैन 10,00,000 केते 30% फटाफट कह कह तो मुझे तुमको तुम सामने रे सिचुएशन रखुच आगो खातर लेख हेडिंग दियो रेट ऑफ टैक्स कॉन्सेप्ट हेडिंग दियो रेट ऑफ टैक्स मुझे जहाँ बहुत बुझे बहुत बुझे मुझे जहाँ लिखी कह भी ये खातर लेख खातर लिख इंडिविजुअल दि प्रकार रेसिडेंट आउ किए नॉन रेसिडेंट सर क्या कहते रेसिडेंट क्या कहते नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट स्टेटस पढ़ले आम जाना गोटे फर्दर टाइम बुझे किए रेसिडेंट किए नॉन रेसिडेंट आम जाने बट जी रेसिडेंट है या लगे जी नॉन रेसिडेंट है या लगे तो इंडिविजुअल कते प्रकार दि प्रकार रेसिडेंट आउ नॉन रेसिडेंट जदि से रेसिडेंट है ताहले ताकु पुणी तीन भाग भाग कर केते भाग तीन भाग केते बेले जदि से रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट हेले भाग करिया दरकार ना तीन भाग कौन नॉर्मल 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 कह किए जो मानक 60 वर्ष होनी सीनियर भेरी सीनियर एग्जांपल दबा कह ना आम नॉर्मल आउ सीनियर आउ भेरी सीनियर एमती चिन्हानी जब भी नॉर्मल कह इंडिविजुअल सब तुम मो ना कह किए देव सारे नॉर्मल बुझिपाल जिते भेरी सीनियर कथा आसीज आउ इंडिविजुअल से तुम आम प्रिय मुख्यमंत्री क्या ना आणव नवीन पटनायक ना आणव क्या ना आणव नवीन पटनायक तो नवीन पटनायक हूँ कि सिटीजन भेरी सीनियर सिटीजन पुणी से रेसिडेंट कारण से इंडिया ही रोच कह सारे सीनियर सिटीजन क्या आनिया क्या आनिया मोदी 60 वर्ष अधिकाला आधार कार्ड मुझे देखनी क्या आनिया क्या आनिया क्या आनिया गोटे क्या ना कह हाँ सोनिया जी सोनिया को 80 वर्ष है कहीं ना देखले तो जना पड़ूनि तो सी की सिटीजन सीनियर सिटीजन तेणुकर मो क्लास जब भी मुझे आगे नॉर्मल कह तुम क्या ना कह देव सारे सीनियर मैंने सोनिया भेरी सीनियर मैंने नवीन एवं बुझ नॉर्मल हेले केते पर्यंत छाड़ 2,50,000 ये कौन नील नेक्स्ट 2,50,000 कारण अप टू 5,00,000 थिला ना तम आम वार्ड यूज कर पारे कौन नेक्स्ट 2,50,000 तो नेक्स्ट 2,50,000 केते परसेंट एट द रेट ऑफ 5% पुणी नेक्स्ट नेक्स्ट केते 5,00,000 कारण थर्ड स्लैब देखुच ना 5,00,000 रु केते अछि 10,00,000 तमने नेक्स्ट केते 5,00,000 केते 20% बैलेंस केते परसेंट 30% ये टैक्स रेट कहाँ पे कहले आप देव सार देव सार किए मुझे जानी मुझे देव सार नुह किए मुझे चिन्ह शुण सीनियर कहले किए सोनिया जी
सोनिया जी को आम कह तुम तो गवर्नमेंट ए बहुत लस रे चलती तेणुक तुमठ आम एत टैक्स नवानी टी छाड़द के 3 लाख कौन नेक्स्ट 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 के 2 लाख कारण 3 लक्ष रु 5 लक्ष पर्यंत अच्छे ना तो नेक्स्ट 2 लाख आर द रेट हम के 5% के 5% पुणी नेक्स्ट के 5 लाख आर द रेट हम 20% बैलेंस आर द रेट हम के 30% बैलेंस आर द रेट हम 30% भेरी सीनियर सिटीजन नवीन पट्टनायक 5 लाख कौन नील नेक्स्ट 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 5 लाख आट द रेट हम के 20% बैलेंस 30% पैसा आम मन केमी रखिया तुम जान खाली यू मन रखि 2 लाख 50 3 लाख 5 लाख एबे बुझ मन रखियार टेक्निक रेट केमी लगे इनकम टैक्स आक्ट इट बुझ इनकम टैक्स आक्ट सब बेले प्रथम 5 लाख प्रथम 5 लाख नेक्स्ट 5 लाख बैलेंस तुम देखि समस्त इनकम 10 लाख पर समान रेट 10 लाख पर आर भी के 30% आर भी के 30% आर भी के 30% तमें इनकम 10 लाख पर से जमीतिया लोक होना समस्त कौन सामान रेट के परसेंट 30% तेणुक इनकम 10 लक्ष पर्यंत रेट बदलू 10 लक्ष पर समस्त रेट कौन कौन बा सामान तेणुक 10 लक्ष पर गला मान के परसेंट 30% जमीतिया इंडिविजुआल होना हो बुझिपाल ए कह ये मझी 5 लक्ष माने 10 लक्षर पूर्व 5 लक्ष 10 लक्षर पूर्व 5 लक्ष माने 10 लक्षर फास्ट 5 लाख नुह कौ 5 लाख 10 लक्षर के 5 लाख 2टा 5 लाख फास्ट 5 लाख आउ सेकेंड 5 लाख सेकेंड 5 लाख अलवेज 20% टैक्स सेकेंड 5 लाख अलवेज 20% टैक्स सी जमी आसे सी होना हो बट तुम जान आउ रहा खेल कापी फास्ट 5 लाख फास्ट 5 लाख नॉर्मल पे केते एग्जेम्प्टेड केते एग्जेम्प्टेड 2 लाख 50 आउ जो बैलेंस 2 लाख 50 रहा ये 30% तो आसवनी 20% आसवनी तो इनकम टैक्स तीन टाइम परसेंटेज 30 20 5 30 20 5 मत बैलेंस 2 लाख 50 कौन थे आसो 30 ना 20 ना 5 रे 5 लाख सॉरी 5% जदि सी सोनिया जी है तुम जान 3 लाख एग्जेम्प्टेड के एग्जेम्प्टेड 3 लाख आउ रहा के 2 लाख 2 लाख कौ कैटेगोरी आसो 30 तो आसवनी 20 आसवनी कौटे आसो 5% आसो जदि सी है किए नवीन पट्टनायक एग्जेम्प्टेड के 5 लाख तो 5 लाख है बैलेंस किसी ना तो 5% आसवन ये हूँ अदर तरीका मन रखार तुम आई दर आसेस वाइज मन रख ना इनकम वाइज मन रख ये कौ वाइज आसेस वाइज ये कौ वाइज इनकम वाइज मन रखा सहज हम केमी देख तुम जान 10 लक्ष पर जमीतिया लोक हेले भी कते परसेंट 30% तेणुक 10 लक्ष रु एक्सीड है मैंने 30% 10 लक्ष को भाग कर दि 5 5 तो 5 5 10 लक्ष सेकेंड 5 लाख फास्ट नुह सेकेंड 5 लाख समस्त सामान रेट कते परसेंट 20% तो 10 लक्ष सेकेंड 5 लाख समस्त सामान रेट के परसेंट 20% आउ कनफ्यूज दिमाग क्रिएट करेंगे नहीं सारे रेसीडेट कौन है भेरी सीनियर कौन है सीनियर कौन है दरकार नहीं इनकम वाइज मन रख सब कौन हो सहज तुम कह सारे इनकम टैक्स आक्ट रे कहीं इनकम वाइज देलानी रेट कहीं एमती देला जब रेट इनकम वाइज दे था मोर एटी आवश्यकता कौन थी बुझिपाल तो तेणुक सब जगह मुझे कहि आम आवश्यकता अच्छी निश्चिंत पेपर में तेणुक तुम कौ वाइज मन रख इनकम वाइज मत कह इंडिविजुआल कह इंडिविजुअल 10 लक्ष पर समस्त कौन से नवीन पट्टनायक हो सोनिया हो देवसार हूँ जी हूँ समस्त
समान रेट कत परसेंटेज 30% मथा खेल बेसि खेल दस लक्ष पर सरगला आ रहा कौन दस लक्ष पूर्व सेकेंड 5 लाख समस्त सामान रेट नवीन पट्टनायक हूँ नर्माल हो सोनिया जी हो कत परसेंट 20% एवं कहानी रहा फास्ट 5 लाख नर्माल बाला 2 लाख 50 तो आउ रही जाऊँ 2 लाख 50 तो कत परसेंट 5% सोनिया जीरो के 3 लाख आ रही जाऊँ 2 लाख कत परसेंट 5% नवीन पट्टनायक के 5 लाख आगे रहा आउ किसी ना तो 5% ना रहा मैंने तो ये हूँ इनकम टैक्स रेट रही नवीन पट्टनायक जदि ये भिडियो को देख कह देवसार योजना स्टूडेंट मानी नहीं से एमती कह विजु देवसार योजना तो छाड़ रेट मान रहा हाँ कि नहीं बा तो फटाफट कह इंडिविजुअल के प्रकार 2 प्रकार रेसीडेट आउ नन रेसीडेट रेसीडेट हेल्ले पुणी कौन देख नॉर्मल सीनियर वेरी सीनियर ओके तो एम रेट मन रखापे 10 लक्ष पर समस्त सामान रेट कत परसेंट 30% रहा खेल क्या भितर 10 लक्ष सेकेंड 5 लाख भी सामान कत परसेंट 20% आ रहा फास्ट 5 लाख नर्माल अढ़ाई एक्जेम्प्टेड 2 लाख 50 5% सीनियर पर 3 लाख एक्जेम्प्टेड बालान्स 2 लाख 5% न भेरी सीनियर पर 5 लाख एक्जेम्प्टेड बालान्स किसी ना 5% स्लाब ना ये क्या बा इंडिविजुअल आउ रेसीडेंट कह सारे इंडिविजुअल नॉन रेसीडेंट इंडिविजुअल नॉन रेसीडेंट नॉर्मल संगे समान इंडिविजुअल नॉन रेसीडेंट क्या सांगे नॉर्मल संगे संगे समान तो इंडिविजुअल सरीगला कह सारे एओपी कौन कह एओपी देख ये रेट कहला अदर इंडिविजुअल ये क्या अदर इंडिविजुअल अदर इंडिविजुअल कहला आम किए नॉर्मल आ ना कौन ये ना कौन मैटर लिखी दियो नॉर्मल आ ना भी दे दियो देवसार जिते कहल तुम तो जान मु कौन आ मोर कनसेप्ट नॉलेज केते मुझे सहजे छाड़देवि ओ माय गॉड मिलूनी ये नॉर्मल कह सारे ये तो भेरी सीनियर सिटीजन भाई देखा ये नॉर्मल ये रहा एमती अठा कहीं छाड़ तो बुझ ये रेट क्या नॉर्मल कहले आंख एच यू एफ एओपी बीओपी एजेपी रेसीडेट हूँ बा नॉन रेसीडेंट हूँ तो गोटे काम कर तुम्हें जो नॉर्मल लिखी ना कौन लिखी नॉर्मल ये नॉर्मल को पुणी एमती लिखिदी लिखिद कौन एच ओ एच यू एफ ए गोटे मिनट लिखे पर एओपी बीओआई एजेपी तमें बुझ जदि अदर इंडिविजुअल एच यू एफ एक्सेट्रा है तो सेमकर रेसीडेट नॉन रेसीडेंट देखनी सेमकर कौन देखनी रेसीडेंट नॉन रेसीडेंट देख से फ्लाट रेट कौन 2 लाख 50 एक्जेम्प्ट सरी एक्जेम्प्टेड 2 लाख 50 पर कौन 5% से नॉर्मल सांगे कौन सामान तो ये फटाफट मैट को देख तुम एवं क्वेश्चन कर तो कह जो मानकर इंडिविजुअल कहले रेसीडेंट भेरी सीनियर सिटीजन जहाँ मानकर एज के 80 किंबा 80 रु अधिका तो एज केवल कह रहा एच यू फिर एज थाए फार्म एज थाए के पचार अरे पार्टनरशिप फार्म तोर एज के पचार तो एज कहार थाए इंडिविजुअल एज केवल थाए कार इंडिविजुअल तो जो मानक इंडिविजुअल से मानकर इयर 80 किंबा 80 रु अधिका इयर रेट जो मानकर इंडिविजुअल से मानकर इयर 60 सरी एज 60 किंबा 60 रु अधिका किंतु केते रु कम 80 रु कम से मानकर एटा आंकु छाड़ी कर जहाँ रहिले आउ के रहिले जो मानकर 60 रु कम सेतक रहिले प्लस ये जेहेतु रेसीडेंट पे अच्छी नॉन रेसीडेंट 80 वर्ष अधिका हेले भी कौटी आसीबो नॉर्मली आसीबो अरे एठी रेसीडेंट 80 वर्ष रु अधिका मुगले कि नॉन रेसीडेंट 80 वर्ष रु अधिका एठी आसीबो एठी आसीबो कि रेसीडेंट 80 वर्ष रु अधिका तो नॉन रेसीडेंट 80 वर्ष रु अधिका कौटी आसीबो नॉर्मली तो ये समस्त सामान क्या क्या एच यू एफ एओपी बीओआई एजेपी से रेसीडेंट हूँ बा नॉन रेसीडेंट हूँ आउ अदर इंडिविजुअल कहे जो इंडिविजुअल एटी ना ये किए किए अच्छा रेसीडेंट भेरी सीनियर आउ रेसीडेंट सीनियर
नॉन रेसिडेंट सीनियर कौटी अच्छी नॉन रेसिडेंट वेरी सीनियर कौटी अच्छी तो समान पे ये समान रेट बुझिपाल ओके शुण एबे तुम फसीजीव एबे तुम फसीजीव केमी फसब समस्त एग्जांपल को आगो बुझ मु टाइम देवी कॉपी कर वन फोर एटीन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइंटीन ये आमपी कौन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ये प्रीवियस ईयर सत बट ये आम मानी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कारण आम यही प्रीवियस इनकम को कंपिटेशन करवा टैक्स कंपिटेशन करवा तेणुक आमर सिलेबस जो प्रीवियस ईयर लगुच आम कहे कौन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को सर्ट्रे कह आरपीवाई कौन कह आरपीवाई तो बुझ जदि कौन सी गोटे लोकर एज कौन सी गोटे लोकर एज यही पीरियड रु यही पीरियड भितर एट्टी किंबा एट्टी रु अधिका हला ताहले आम तो कह भेरी सीनियर सिटीजन ओके तो शुण जनकर डेट ऑफ बर्थ पड़ला तुम जान जन्मदिन पालन कर तक कौन कहते बर्थडे एनिवर्सरी तुम सब जन्मदिन पालन कर आम बेले से सब नाला तुम बेले एवं तो जन्मदिन अच्छे मैंने तीन दिन आगुरी पालन हम पुणी तीन दिन पर सर स्कूल थे ट्यूशन थे केते कड़े के मोर तो मसे आगुरी थे ये पालन हो गला तो ये बुझ सपोज तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेशन करुच बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करुच कौ दिन ना एक जून 2018 ता मैंने कौन एक जून 2018 तुमको 80 वर्ष पूरला तुम कह सारे कौन आम जब बर्थडे सेलिब्रेशन करमको से 80 पूरला ना से 80th सेलिब्रेशन कला तुम तो लिखुन जो केक् आणुच ताते लिखा हो 23 पुणी जो नेक्स्ट वर्ष आने कौन कह 24 लेख तक देखिक जन जानदेव कि यार कते वर्ष है 24 तेणुक गोटे पर्सन कौन कला इंडिविजुअल कौन कला के बर्थडे एनिवर्सरी पालन कर एक जून 2018 केते नंबर बर्थडे 80 ताने 80 वर्ष है कौद एक छजार 18 मत कह सी 18-19 तार स्टाटस कौन सीनियर ना भेरी सीनियर ना नॉर्मल देख प्रीवियस ईयर रे बा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे गोटे दिन कौ दिन 1/6/2018 केतला 80 कही 80 किंबा 80 रु अधिका हेले भेरी सीनियर सिटीजन 80 किंबा 80 रु अधिका हेले भेरी सीनियर सिटीजन तो ये स्टाटस रे तार स्टाटस कौन रहइब भेरी सीनियर सिटीजन तो गोटे काम कर लेख एग्जांपल माने एमती लेख एग्जांपल 1 डेट पकेब 1/4/18 केते 1/4/18 ये डेट पकेब 31/3/19 1/4/18 31/3/19 आ मझेरे गोटे डेट जे कि 1/6/2018 मिस्टर एक्स सेलिब्रेट्स मिस्टर एक्स सेलिब्रेट्स हिज 80th बर्थडे हिज 80th बर्थडे तो कह तार स्टाटस कौन हम भेरी पुणी सीनियर भेरी सीनियर सिटीजन ओके कह सर आप क्वेश्चन आम कही फसबे मुझे जान तुम फसबनि देखो सेकंड एग्जांपल काटा एग्जांपल सेकंड एग्जांपल एग्जांपल 2 1/4/18 माइंडफुली समेत शुणब आग को जो क्वेश्चन अच्छे इनाम भी अच्छी 31/3/19 बर्तमान सब रेडीगले इनाम ना शुणिक ना कौन किंतु मो क्वेश्चन रे आज पर्यटन कि इनाम नहीं ना तुम्हें कौन नहीं जीव फिर भी मुझे तुम डर ना कौन शुण से पालन करुच 31/3/90
অন আচ্ছা মিস্টার এক্স সেলিব্রেটস সেলিব্রেটস হিজ 80th বার্থডে তার মানে সে 80 নম্বর বার্থডে পালন করুছে কোদিন 31/3/19 তার মানে 31/3/19 তাকে কত বর্ষ পুরলা কত বর্ষ পুরলা 80 বর্ষ পুরলা না 80 চাললা তার মানে এই বর্ষ ভিতরে তার গোটাই দিন 80 কিংবা 80 অধিক হচ্ছে না নাই তাহলে সে কোন হয়ে যাব ভেরি সিনিয়র সিটিজেন কারণ এই দিন তাকে কত এজ হয়েগলা 80 যদি কোনসি গোটে দিন 80 বা 80 অধিক তোমার এজ হেলা 80 রু অধিক মানে 89 82 83 84 এটসেট্রা তো ওয়ান্স তুমি ভেরি সিনিয়র সিটিজেন হয়েগলা মানে আগে তুমি কেউ স্ট্যাটাসে রইব আচ্ছা তোমাকে এ বর্ষ 80 হয়েগলা নেক্সট বর্ষ পুনি 40 হয়ে যাব তেমনি ওয়ান্স তুমি ভেরি সিনিয়র সিটিজেন হলে মানে আগে কোন স্ট্যাটাস ভেরি সিনিয়র সিটিজেন তবে বুঝ তাকে লাস্ট দিন 80 হেলা তো সে কোণ হব ভেরি সিনিয়র সিটিজেন বট মোর এক্সাম্পল বা মো কোশ্চিন এইটু স্টার্ট হল আর ইউ রেডি টু রক 1/4/18 31/3 কোণ 19 1/4/18 31/3/19 কোদিন পালুচি কোদিন পালুচি 1/4/18 রে পালুচি অন 1/4/18 হি সেলিব্রেটস 80th বার্থডে কো স্ট্যাটাস কোণ সিনিয়র সিটিজেন ইজ দ কারেক্ট আনসর ভেরি নো ভেরি নো কোণ সিনিয়র কব স্যার হাই ইয়াডে বুঝ আনসর দিও ভেরি না সিনিয়র আরে ভাই 1/4/18 সে কত নম্বর বার্থডে পালুছি 80 তা মানে এই বর্ষ তাকে কত বর্ষ হল 80 তো ইয়ে ভেরি সিনিয়র সিটিজেন ইয়ে কোণ ভেরি সিনিয়র সিটিজেন বট ইয়ে কোশ্চিন মোর নথিলা মো কোশ্চিন এবার স্টার্ট হল ওহো 1/4/18 31/3 কোণ 19 1/4 কোণ 20 1/4 নেক্সট ডে কোণ হব না 1/4/19 হব না 31/3/19 পরে 1/4/20 1/4/20 রে হি সেলিব্রেটস 80th বার্থডে ভেরি না সিনিয়র ভেরি না সিনিয়র কোণ আনসর জবাব দিও কত জনকর সিনিয়র কত জনকর ভেরি ডাউট ডাউট পাই ক্লারিফিকেশন কে দেওয়া পাই অছি সিবিডিটি বুঝাবে সিবিডিটি ক্লারিফাই দ্যাট এ পর্সন বর্ন অন 1 এপ্রিল তা মানে সে 1 এপ্রিলে বার্থডে সেলিব্রেশন করুছে মানে তার জন্ম তারিখ কোণ 1 এপ্রিল 1 এপ্রিলে সে বার্থডে সেলিব্রেশন করুছে তুমি যদি 31/ডিসেম্বরের জন্ম হয়েছিল সেলিব্রেশন কোণ 1/4 করব না সেলিব্রেশন 31/ডিসেম্বরে করব 31/ডিসেম্বরে করব তা মানে সেই জিনিস সে গেল কাল সিবিডিটা ক্লারিফাই দ্যাট এ পর্সন বর্ন অন 1 এপ্রিল উইল বি কনসিডার টু হ্যাভ অ্যাটেন এ পার্টিকুলার এজ অন 31/মার্চ দ ডে প্রিসিডিং দ আনিভার্সি হিজ বার্থডে তা মানে কবে স্যার আর মিনিং কোণ সিবিডিটি কোণ ক্লারিফিকেশন দেলা দেখ জনে 1/4/10 জন্ম হল তো 1/4/10 তা কোণ ডেট অফ বার্থ তাকে 1 বর্ষ কেবে সে
कम्प्लीट हे कौ दिन मुझे कहली कि सी हिज आटेन्ड वन इयर कौ दिन ये कौन तक वर्षे है हाँ कि नहीं बा वर्षे तार एज है एज वन कौ दिन हम एक तीन सी बी टी क्लारीफाई कला कि जदि जड़े पड़ुची एक चार एगार बार्थडे जदि जड़े पड़ुची एक चार एगार कौन बार्थडे तमें एक चार एगार एक वर्ष कम्प्लीट हो एक वर्ष कौ दिन हो 31 मार्च 31 मार्च 11 तेणुक जदि जड़े पड़ुची एक चार उन्नीस कौन बार्थडे एक चार उन्नीस पड़ुची कौन बार्थडे तमाने पर्टिकुलर इयर कम्प्लीट हो जाऊँच कौदिन एक तमें तुम यही दिन 80th बार्थडे पड़ुच तुम कह सर आमको यही दिन 80 एज है ना ता पूर्व दिन तुमको कौन गला 80 एज तमाने पूर्व दिन कहले कौ आस कौ इयर पड़ू रिलेवेंट प्रीवियस इयर तमाने तुम्हें ऑल्दो यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन 1/4/19 बट यू आर नॉट अटेंड द एज ऑफ 80 ऑन 1/4/19 यू आर अटेंड द एज ऑफ 80 ऑन 31 मार्च 19 तेणुक 31 मार्च 19 18-19 प्रीवियस इयर भितर आसुची ना आसुनी 18-19 प्रीवियस इयर आसुची ना आसुनी तेणुक 18-19 प्रीवियस इयर रो गोटे दिन तुमको कौन हो जाऊँच 80 गोटे दिन तुम एज के 80 तेणुक ये क्षेत्र में तुम सीनियर हम ना भेरी सीनियर हम भेरी सीनियर तेणुक आम आंसर कौन देते जो 1/4/19 बर्थडे सेलिब्रेसन कला 80th बर्थडे ना एक्जाम्पल लिखी न केतटा एक्जाम्पल लिखी कौन कौन लिखी 1 2 3 4 फोर टाइटा लिख 1/4/18 31 मार्च 19 बट सी सेलिब्रेसन करे बट सी सेलिब्रेसन के 1/4 लिखवा 1/4/19 रे लिख हि सेलिब्रेट 18th बर्थडे सरी 80th बर्थडे हि सेलिब्रेट कौन 80th बर्थडे तमें तुम्हें तो भाव थ 1/4/19 80 है ना 80 केवेगला 80 केवेगला 31 मार्च 19 तमें आसस सरी प्रीवियस इयर दिन में 80 कम्प्लीट है ना नहीं तेणुक सी कौन हो वेरी सीनियर सिटीजन लेख वेरी सीनियर सिटीजन आज पर किए आज पर सीबीडीटी क्लारिफिकेशन आज पर सीबीडीटी क्लारिफिकेशन तुम्हें कह सारे एत सत कथ आमको देखनी आमको कहतु सीधा ये आम 1/4 कौन 18 31/3 कौन बा 19 तमाने आमको गोटे इमिति डेट कह दिंतु से ही डेट पर जन्म होती तार स्टाटस कौन से ही डेट पूर्व जब जन्म होती तार स्टाटस कौन एबे बुझ जो मानकर जो मैंने जन्म होती बर्न जो मैंने जन्म होती कहले कौन बर्न ऑन और बिफोर ऑन और बिफोर 1/4/1939 तेणुक तुम डेट ऑफ बर्थ पचारदेव आसे सी कौन पचारदेव भाई तोर डेट ऑफ बर्थ कह से कहला कि मोर डेट ऑफ बर्थ 1/4/1939 किंबा ता पूर्वर 1/4/1939 किंबा ता पूर्वर ताल से करेंट इयर पे वेरी सीनियर सिटीजन रही कौन रही वेरी सीनियर सिटीजन को डेट ऑफ बर्थ किंबा ता पूर्वर 1/4/39 किंबा ता पूर्वर जदि तार कौन अरे 1/4/39 किंबा ता पूर्वर जदि कौन पड़ुची डेट ऑफ बर्थ ताल से कौन हो वेरी सीनियर सिटीजन आई थोड़े तक 80 हो ना 81 हो ना 82 हो ना 83 नहीं थोड़ा ना आगे हो तो कौ डेट 1/4/39 रु 20 ऐड कर कारण 60 आउ 80 डेट डिफरेन्स के 20 तो 39 रु 20 ऐड कर 1/4 तो ये बुझ जदि से जन्म हो बर्न ड्यूरींग कौन 1/4 तो हेनी आ 1/4 हेनी 1/4 कौट पलि आसला 39 ये पलि आसला कौटू स्टार्ट हे
अरे कौटू स्टार्ट हे दुई चार दुई एप्रिल 39 रु केते दिन पर्यंत 20 ऐड कर दियो 1 एप्रिल 59 ताले से कोन हिजबो सीनियर सिटीजन ता परे जदि के जन्म होउछंती ताले से मानकर स्टेटस कोन नॉर्मल तमरो काम होला तमे दुईटा डेट मन गुटी डेट मन रखियो केते डेट गुटी डेट कोन से डेट ना 1439 हाँ 1439 बा 19 किए कहे समत 19 मुझे जो लिखी आसेसमेंट इयर 1920 कही था सारे 2019 2020 यह सब इग्नोर करता तो 1439 ओबियसली 1939 कारण 1839 बेल तो कनसेप्ट ही आसी ना 2039 आसनी तो कौन हम लेख नोट लेख नोट लेख नोट लेख हेडिंग द नोट ओके एमती गार कट सब यार रहा 1418 31 19 ओके कौन ये 1439 ताने कौन तार डेट ऑफ बर्थ ये डेट को भी तीर अच्छे ताने कौन 1439 कि पूर्व तीर अच्छे कि पूर्व जदि डेट ऑफ बर्थ 1439 कि पूर्व ताल कौन सी वेरी सीनियर सिटीजन कौ वर्ष पर 18 19 कौ वर्ष पर 18 19 कह सारे 17 18 पे कौन थी 16 17 पे कौन थी दरकार नहीं आमर क्या दरकार आम एग्जाम पर कौन दरकार 18 19 तेणुक जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 1439 कि पूर्व ताले से करेंट इयर पर कौन वेरी सीनियर सिटीजन एवं कह 1439 तो पलईगला 1439 पलईगला यूठ आउ 20 वर्ष पलैले 60 तमें यू के वर्ष जीव 20 तो 39 रु 20 एड कले के हम केते 59 तो कौन ही जीव 1459 1459 1459 बट स्टार्ट तो हो पार नहीं 1439 रु 1439 तो पलैला ना तो स्टार्ट कौटी हम कौट स्टार्ट हम 2439 आ इनकम टैक्स को मुझे सब कौन करी ना तुमको एमती ग्राफिकली बुझे तुम्हें आपको जब बुझीगल आउ पढ़िया किसी दरकार ना देख 1439 रु केते वर्ष केते वर्ष 20 वर्ष तो 20 वर्ष माने कौन कौन 59 कौ 59 1459 बट एक्जाक्टली 1439 कौटी अच्छी ये डेट्रे पड़ जाइए तेणुक नेक्स्ट डेट कौट स्टार्ट हे तो 2439 आ तो पछक जीवन तीर पछक गले तो यू पलि आस कौटी जीव आग आग को कहे एम आगे पल ना कौट स्टार्ट हे 2439 रु बट कौट सर 1459 तो ये मानक स्टाटस कौन हम सीनियर सिटीजन ओके तापर कह सारे 1459 तो पलईगला 1459 पलईगला एवं कौन स्टार्ट हे कौन स्टार्ट हे 2459 रु जिते आगे जाऊ जाओ 2459 रु कौन बा जिते आगे जाऊ जाओ तार स्टाटस कौन हम कौन नर्मल कौन स्टाटस हम
नॉर्मल बुझिपाल तब कह जदि तुम पचरा जा आम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर पर कौ कौ लोक भेरी सीनियर सिटीजन तुम्हें कह सारे जार डेट ऑफ बर्थ 1/4/39 कि तमें भारत स्वाधीन होता है 1939 मसीह भारत स्वाधीन होता केवे स्वाधीन होता 47 ताने स्वाधीनता संग्रामी हेले भेरी सीनियर सिटीजन छाड़ डेट मन रख ला 1/4/1439 कि पूर्व जदि कौन डेट ऑफ बर्थ ताले से कौन भेरी सीनियर सिटीजन एवं 1/4/39 पलिगला तो कौट स्टार्ट हे कौट स्टार्ट हे 2/4/39 2/4/39 रु 20 वर्ष आगे जीवन ना तो 1/4/39 रु के वर्ष पड़े 39 रु 20 वर्ष आगे कहते 59 तो 2/4/59 रु 1/4/59 भितर जो डेट ऑफ बर्थ ताले कौन सीनियर सिटीजन एवं कौट स्टार्ट हे 2/4/59 2/4/59 रु जब जिते आगे तार डेट ऑफ बर्थ ताले कौन नॉर्मल तेणुक किए भेरी सीनियर किए सीनियर किए नॉर्मल ये सब जाक कनसेप्ट बुझल एवं कह जड़े लोक 1/4 से बर्थडे सेलिब्रेशन करुच्ची मान ताकू एज कम्प्लीट हो कौ वर्ष ता पूर्व दिन तार कौ दिन पूर्व दिन बुझिपाल तो सपोज मु कहली 1/4/18 जने 80th बर्थडे सेलिब्रेशन करुच्ची केबे 1/4/18 के नंबर बर्थडे सेलिब्रेशन 80th तामने ताकू 80 कम्प्लीट है केबे 31 मार्च कौ दिन कम्प्लीट है 31 मार्च तामने तुम्हें जो दिन बर्थडे सेलिब्रेशन कर तुम्हार से ही दिन एज कम्प्लीट हो गोटे इयर ता पूर्व दिन एज कम्प्लीट हो जी केवल मन रख जे 1/4/39 कि पूर्व जदि जन्म होती करेन्ट इयर पर भेरी सीनियर 2/4/39 रु 1/4/59 भितर जदि जन्म होती सी कौन सीनियर 2/4/59 पर जदि जन्म होती कि दिन जन्म होती सी कौन नॉर्मल आउ जदि तुम 1/4/ तुम डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेशन कर तुमको इयर कम्प्लीट होता पूर्व दिन ये 4 पॉइंट मन रख बास सब क्वेश्चन सॉल्व है मन रहा तो फटाफट कह नॉर्मल सीट नॉर्मल वेरी सीनियर आउ सीनियर को आम रेट ऑफ टैक्स देखीदे कार 5% कार 20% कार 30% ता सहित आम देखिले HUFA EOP आउ कार BOI आउ AJP ओके जिते प्रकार दुनिया रे फार्म अच्छा इनक्लूडिंग कौन LLP जिते प्रकार दुनिया रे फार्म अच्छा इनक्लूडिंग LLP समस्त फ्लाट रेट के 30% कह इनकम कम हो अधिक हो इनकम बेसीस एक्जिमसन आउ ना तो कैसे परसेंट 30% किसी बेसिक एक्जिमसन लिमिट अच्छी ना तो बेसिक एक्जिमसन लिमिट केवल क्या अच्छी इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP बुझिपाल तो फार्म इनक्लूडिंग LLP टैक्स रेट के 30% जदि से कंपनी तेल कंपनी दी प्रकार डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी आ कौन फॉरेन कंपनी जो कंपनी इंडिया रे जन्म होती इंडिया रे रजिस्ट्रेशन होती से कंपनी डोमेस्टिक कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी ब्राकेट लिखिद इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी ब्राकेट रे कौन इंडियन कंपनी तो बुझ इंडियन कंपनी रो रेट ऑफ टैक्स कौन चेक कर तार 16/17 रो टर्नओवर किंबा कौन ग्रॉस रिसीट इन डोमेस्टिक कंपनी रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन करने तुमको आगे चेक करने पड़ो 16/17 कौन टर्नओवर किंबा ग्रॉस रिसीट जदि 250 crore रु कम ये लिखाई डजन टू एक्सीड कौन 250 crore ताने कौन 250 or less मन रख जब भी लिखाई डज नट एक्सीड 250 तार मीनिंग कौन 250 or less तो एक्जाक्ट 250 हेले भी ये पड़े आसो कि कम हेले भी ये आसो बट 251 हेले आसव तो 16/17 टर्नओवर कि ग्रॉस रिसीट जदि 250 crore कि कौन कम ताल तार रेट ऑफ टैक्स 25% तार रेट ऑफ टैक्स कौन 25% जदि 16/17 टर्नओवर 16/17 टर्नओवर
250 किंवा ताठरु कम नुह 250 नुह कि ताठरु कम नुह ता माने 250 रो अधिका ताले केते केते 30% कबे सर एमदी कोन पई 1670 रे डोमेस्टिक कंपनी को कुहा जाईतिला कि तमे इंडिया रे बिजनेस करो 1670 रे एक्चुअली मार्केट रो इकॉनमी बा इंडिया रे इकॉनमी कोन हेतला डाउन हेतला केबे 1670 रे बहुत इंडियन कंपनी कहले आमे देश छाडी पळेबो कोठी की फॉरेन को तो गवर्नमेंट से मानू को बांधी के रखे पे चेष्टा कला तथापि से माने सुनले नी कहले ना ना आमे इंडिया रे रहिबो ना आमे कोठे पळेबो फॉरेन पळेबो गवर्नमेंट कहला तमे फॉरेन काई कि जीव ना देखो इंडिया रे एक तो हमर बिजनेस होउनी दूरे तुम अधिका टैक्स नौ गवर्नमेंट से कहला कहला इंडिया रे बिजनेस होनी तुम बिजनेस कर इंडिया डेवलप कर तुम्हें जी रोह तुम्हें जब पलब इंडिया थोड़ी ना डेवलप कर तुम गोटे काम कर तुम ये रुह आठ बिजनेस कर जदि भल बिजनेस कल जदि भल बिजनेस कल ताल इंडिया डेवलप कर तुम रही तुम इंडिया बिजनेस करवाई मुझे तुमको देवी आगुरी थी टर्न ओवर जहाँ भी हो तुम रेट के 30% टर्न ओवर जहाँ भी रेट हो टर्न ओवर जहाँ भी हो रेट के 30% कितु 1670 जो मार्केट डाउन होगा बहुत कंपनी इंडिया बाहर पलिया चेषा करता तो आम बांधि रखापी कहे जो छोट छोट कंपनी अच्छी तमें तुम टर्न ओवर कौन कम रही तो जब तुम 250 कि 250 कौन है कम है तुम 5% टैक्स रिहाती देव तो कैसे परसेंट नबू 25% आ बड़ बड़ कंपनी को रिहाती देवा किसी आवश्यक ना तो कैसे नबू 30% तो यही रेट कमे द्वारा किसी छोट छोट कंपनी जे लॉस रे रही थे से पुणी लॉस रे बिजनेस करने इंडिया रे राजी हो गले कारण से टैक्स रेट कौन होगा कमीगला तो 2016-17 रे मार्केट डाउन होता ये प्रोविजन आसाला तो आजिका डेट्रे भी सी प्रोविजन अच्छी तो करेन्ट रे तुम टैक्स रेट के 16-17 जब तुम टर्न ओवर 250 कौन कम थिला ताले करेन्ट रे टैक्स रेट के 25% जदि से तुम टर्न ओवर 250 रु अधिका थिला ताले करेन्ट रे टैक्स रेट के कते परसेंट 30% तुम कह सारे गोटे नुआ कंपनी जे 1670 रे इनकॉर्पोरेट हो नाला से 17-18 इनकॉर्पोरेट होगा तार करेन्ट रे टैक्स रेट के हम ओबियसली 25% हम कारण गोटे कंपनी 1670 रे इनकॉर्पोरेट हो नाला तार टर्न ओवर के 0-250 crore ना ताठू कम कम तो कौटे आसीज 25% तो फटाफट को टैक्स रेट इंडिविजुअल केते प्रकार इंडिविजुअल केते प्रकार दि प्रकार कौन कौन रेसीडेंट नॉन रेसीडेंट रेसीडेंट केते प्रकार तीन प्रकार कौन कौन नॉर्मल वेरी सीनियर सॉरी सीनियर वेरी सीनियर ओके वेरी सीनियर किए सीनियर किए जाने पे हम गोटे डेट मन रखीचे 1-4-39 किंबा ताठरु पूर्वर जे जन्म होती ताले से वेरी सीनियर 2-4-39 रु 1-4-59 भितर जन्म होती से माने सीनियर 2-4-59 किंबा ता परे जे जन्म होती से माने नॉर्मल छाड़ 10 लाख पर समंतन का रेट समान केते परसेंट 30% 10 लाख पर 30% सरीगला 10 लाख पूर्वर सेकेंड 5 लाख समंतन का समान केते परसेंट 20% फास्ट 5 लाख नॉर्मल वाला भी अढ़ाई एक्जेम्प्टेड 2,50,000 5% सीनियर वाला 3 लाख एक्जेम्प्टेड 2 लाख 5% वेरी सीनियर पूरा 5 लाख एक्जेम्प्टेड 5% टैक्स नाइन ये सरीगला इंडिविजुअल जे रेसीडेंट इंडिविजुअल जी रेसीडेंट आ रहा फार्म आउ LLP सरी फार्म आउ कंपनी को छाड़ी फार्म आउ कंपनी को छाड़ी समस्त नॉर्मल रेट लगे समस्त कौन लगे नॉर्मल रेट कौन कौन 2,50,000 एक्जेम्प्टेड 2,50,000 एक्जेम्प्टेड 2,50,000 रु 5 लाख कौन 5% नेक्स्ट 5 लाख 20% बैलेंस 30% तो बचला किए फार्म आउ कंपनी बचला किए फार्म आउ कंपनी फार्म कर स्टेट केते परसेंट 30% जमी फार्म हो LLP हेले भी 30% आ बचला किए बचला कंपनी कंपनी दि प्रकार डोमेस्टिक आ कौन फरेन डोमेस्टिक कंपनी जदि है तेल चेक कर 1670 टर्न ओवर 1670 टर्न ओवर 250-250 crore किंवा ताठ कम तेल करेन्ट ईयर टैक्स रेट के 25% अदर केस के बचला किए फरेन कंपनी फरेन कंपनी सीधा अच्छा कह फरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी को आम के परसेंट ने 30 फरेन कंपनी को 30 ना 30 अधिका ना कारण ये फरेन कंपनी ये पोषुच्च क्या बाहर कंट्री को बिजनेस करुच्चे कौटी इंडिया रे तेणुकर आम कहीं बेनिफिट दवा ताठू अधिका ना के 30% तो फरेन कंपनी टैक्स रेट के 1670 टर्न ओवर चेक करनी 1670 टर्न ओवर क्या चेक कर डोमेस्टिक कंपनी
ମ୍ୟାଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା କେମିତି କେତେ ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଛ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କାରଣ କ'ଣ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ତ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଦେଖିବ ଏକା କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି ତା'ମାନେ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିଲ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବୁଝ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲା କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲା କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓକେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ନେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସରଚାର୍ଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହା ଉପରେ ଲାଗେ ଇନକମ୍ ଉପରେ ତ କ'ଣ ମିଳିଗଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦେଖିକିରି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ସେ ପୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ସରଚାର୍ଜ ପୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ସେସ୍ କ'ଣ ସେସ୍ ତା'ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବ ସରଚାର୍ଜ ନେବ ଆଉ ସେସ୍ ନେବ କ'ଣ ନେବ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବ ଆଉ କ'ଣ ନେବ ସରଚାର୍ଜ ନେବ ଆଉ କ'ଣ ନେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରି କ'ଣ ନେବ ସେସ୍ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବୁଝିଗଲେ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବେ ବୁଝିବା କ'ଣ ସରଚାର୍ଜ ଦେଖ ଏବେ ସରଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଆଉ ମନେ ରଖ ସରଚାର୍ଜ ଇନକମ୍ ଉପରେ ଲାଗେ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଲାଗେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ବଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହା ଉପରେ ଲାଗେ ଇନକମ୍ ଉପରେ ତ ୱାନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଯାଇଛେ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଦେବା କ'ଣ ସରଚାର୍ଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏଚ୍ ୟୁ ଏଫ୍ ଏଓପି ବିଓଆଇ ଏଜେପି ଏମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯଦି 50 ଲକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଧିକା ତା'ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 50 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ହେବନି କେତେରୁ ଅଧିକା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସରଚାର୍ଜ ଦେବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 10% ସରଚାର୍ଜ କାହା ଉପରେ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ତା'ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ 10% ସେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ସରଚାର୍ଜ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ 100 ତାହେଲେ ସେ ସରଚାର୍ଜ କେତେ ଦେବେ 10 ତା'ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ 110 ପୁଣି 110 ଉପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଲାଗିଯିବ ସେସ୍ କ'ଣ ଲାଗିଯିବ ସେସ୍ ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବୁଝା ସମୟରେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏଚ୍ ୟୁ ଏଫ୍ ଏଓପି ବିଓଆଇ ଆଉ କିଏ ଏଜେପି ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଇନକମ୍ କହିଲେ କେଉଁ ଇନକମ୍ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଆସିଥିଲା ଆ ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛେ ତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ କହିବି ମାନେ ଏଇବାଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ଯଦି କାହାକୁ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି 50 ଲକ୍ଷ ତା'ମାନେ କେତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗିବନି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗିବ 50 ଲକ୍ଷ ୱାନ୍ ହେଲେ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗିଯିବ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିଯିବ ସରଚାର୍ଜ କାରଣ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି ରୁପିଜ୍ ୱାନ୍ ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ 50 ଲକ୍ଷରୁ କ'ଣ କରୁଛି ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସରଚାର୍ଜ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 10% କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯଦି 1 କ୍ରୋର୍ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 10% ନେବାନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେବା 15% ଫାର୍ମ ଆଉ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ପି ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯଦି 1 କ୍ରୋର୍ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 12% ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀର 1 କ୍ରୋର୍ ଯଦି ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 7% ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀର 10 କ୍ରୋର୍ ଯଦି ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କେତେ 12% ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀର 1 କ୍ରୋର୍ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 2% ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀର 10 କ୍ରୋର୍ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କଲେ କେତେ 5% ଶୁଣ ସରଚାର୍ଜ ପାଇଁ ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ର ଲିମିଟ୍ ମନେ ରଖିବ ସରଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ର ଲିମିଟ୍ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଲିମିଟ୍ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏଚ୍ ୟୁ ଏଫ୍ ଏଓପି ବିଓଆଇ ଆଉ ଏଜେପି ଏମାନଙ୍କର ଯଦି 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ ଅଛି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ ତାହେଲେ ନୋ ସରଚାର୍ଜ 50 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10% 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ହେଲେ 15% ବୁଝିପାରିଲ ତ କେତେବେଳେ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗିବନି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସରି ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ 50 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ନା ତା'ଠାରୁ କମ୍ କମ୍ ହେଲେ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗିବନି ସରଚାର୍ଜ କାହା ଉପରେ ଲାଗେ କାହା ଉପରେ ଲାଗେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ 10% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି ଆଉ 1 କ୍ରୋର୍ରୁ ବି ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସରଚାର୍ଜ କେତେ 15% ଫାର୍ମ ଆଉ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ପି 1 କ୍ରୋର୍ରୁ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କଲେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରେଟ୍ କେତେ 12% ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀର 2 ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର 1 କ୍ରୋର୍ରୁ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରୁଛି 7% 10 କ୍ରୋର୍ରୁ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କଲେ 12% ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀର ବି ସେଇ ସେମ୍ 1 କ୍ରୋର୍ ଆଉ 10 କ୍ରୋର୍ 2% ଆଉ କେତେ 5% ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ରିଲାକ୍ସ ଦେଲେ ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବା ସରି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସରଚାର୍ଜ ରେଟ୍ କେତେ 7 ଆଉ 12 ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ସରଚାର୍ଜ ରେଟ୍ କେତେ 2 ଆଉ 5 ତୁମେ କହିବ ଏଠି ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଲେ କମ୍ ରେଟ୍ ନେଲେ ନା
कारण फॉरेन रेट फॉरेन कंपनी पर ऑलरेडी मु अत्याचार कर सारी कौटी टैक्स रेट के 40% ये जो सरचार्ज रेट पुणी बढ़े देवी तेल कौन से फॉरेन कंपनी आसी इंडिया बिजनेस करेंगे क्योंकि आम इंडिया को जवा दरकार ना आउ जो मानक इनकम 1 crore आउ 10 crore एक्सीड करुच्चे इंडिया से मैंने इंडिया रहा निहाती दरकार कारण कौन से कंपनी जब इंडिया पल इंडिया गवर्नमेंट भी भुजुड़ी जब कारण कौन बहुत फॉरेन कंपनी इंडिया इंडिया को स्ट्रंग कर तो से ऑलरेडी आम कैसे परसेंट ने टैक्स 40 पुणी एटी आहरी नब एक्सट्रा तो से ऑटोमेटिकली रिजिड ही कौन हो बाहरी पलिए तो से कौन मोटिवेट कर बांधि रखापी रियली आम बेनिफिट देने आम पुणी फसईदे कहे आम मोटेट करदे देख तुमको आम सचा रेट कौन करदेलु कम करदे से बोका बनी जी ए गवर्नमेंट आमको इंडिया गवर्नमेंट सचा रेट कौन करदे कम करदे कि जापार ना अलरेडी कैसे परसेंट अधिका टैक्स दे तो से नहीं सरचार्ज रेट कौन तो ये था रेट ऑफ सरचार्ज बुझ सरचार्ज पर जस्ट छोटिया कनसेप्ट बुझ राउंडिंग ऑफ टैक्स आ राउंडिंग ऑफ इनकम ये सब सुनिक मन रख इनकम मल्टीपुल हम राउंड ऑफ मल्टीपुल 10 इनकम राउंड ऑफ हम मल्टीपुल के 10 ताने जदि तुम इनकम एमती आसी 465,294.95 4,65,294.95 ताले आपको इनकम तुम यह लिखन इनकम लिख 465,290 कारण नियरेस्ट 10 को आण नियरेस्ट 10 को आण तो 94 नियरेस्ट 10 100 नुह के 90 किंतु से इनकम जब 465,495 हीगला 495 होगा तेल तुम लिख 465,000 कौन कारण 495 के 500 तेणुक इनकम राउंड अफ हम के रुपीज 10 को नुह नियरेस्ट मल्टीपुल 10 सेमती टैक्स राउंड अफ हम नियरेस्ट मल्टीपुल 10 टैक्स भी राउंड अफ के नियरेस्ट मल्टीपुल 10 तमें तुम इनकम टैक्स कंपिटेशन है इनकम टैक्स आसला 9 टका इनकम टैक्स के 9 टका बट तुम कैसे टैक्स पेमेंट कर जान 10 टका कैसे पेमेंट कर 10 टका तुम इनकम टैक्स आसला सपोज 4 टका कैसे पेमेंट कर किसी पेमेंट कर कारण टैक्स राउंड अफ के 10 तो ये बुझ टैक्स पेबल और रिफंड ड्यू शाल बी राउंडेड अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल रुपीज 10 ताने आर नाई कनसेप्ट मैंने एक्जाम्पल ना तमें टैक्स राउंड अफ नियरेस्ट 10 को आ इनकम भी राउंड अफ नियरेस्ट 10 बुझिपार तो सब जगह प्रोविजन मन रहा कौन पड़ल रेट ऑफ टैक्स पड़ल आउ कौन पड़ल सरचार्ज के लगे आउ कौन पड़ल राउंड अफ केमती हम ए बुझ रेट ऑफ टैक्स तुम स्लैब रेट लगे रेट ऑफ टैक्स कौन लगे स्लैब रेट अच्छा छोटिया कनसेप्ट गोटे बुझ कि इनकम अच्छी से स्लैब रेट आसवन किसी इनकम अच्छी कौन आसवन स्लैब रेट आसवन केमी बुझ आ भर कौन अच्छी टोटाल इनकम भितर कौन अच्छी कैपिटल गेन मिसले कौन आसीज टोटाल इनकम ताले टोटाल इनकम इनक्लूडिंग इनक्लूसिव हम कौन कैपिटल गेन बट कैपिटल गेन पर स्पेशल टैक्स रेट अच्छे कौ टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट माने जिते टकर इनकम हेले भी गोटे पर्टिकुलर परसेंटेज लगे तुम ये देख 5 लाख पर्यंत कौन नील ना नहीं बट ये 5 लाख जो स्पेशल इनकम भितर पड़े आसो आल नुह तमें कौ इनकम पर स्लैब लगे कौ इनकम पर स्लैब लगे दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स बुझ जदि तुम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम हो इनकम कैपिटल गेन दि प्रकार शॉर्ट टर्म आउ लॉन्ग टर्म कौट पड़ कैपिटल गेन चैप्टर पड़ो जदि तुम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आन जोटा 111 कवर अच्छे तमाने लिस्टेड शेयर आउ कौन यूनिट्स तेल से रेट के परसेंट कैसे परसेंट 15% बुझ केमी कैलकुलेसन कर सपोज जनकर टोटाल इनकम समेत बोर्ड को लक्ष्य कर जनकर टोटाल इनकम 6 लाख केते 6 लाख आ भेरी सीनियर सिटीजन भेरी सीनियर सिटीजन ये 6 लाख भितर ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आट द रेट ऑफ 15% वाला इनकम अच्छे 50,000
एबे हम पढ़ले ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जे 111 ए रे कवर होची तापर रेट ऑफ टैक्स केते 50% सॉरी 15% आ ये की रेट स्पेशल रेट स्पेशल रेट माने स्लैब भीतर आसीबने तबे पूछो तमरो टोटल इनकम केते केते इनकम 6 लाख तमे या कहि दंत सारे 5 लाख एग्जेम्प्टेड कारण से कोन वेरी सीनियर सिटीजन आ रहला केते 1 लाख ऊपर केते दबा एट द रेट ऑफ केते परसेंट 20% तो टैक्स केते आसुची 20,000 आंसर इज रॉन्ग कारण ये 6 लाख भितर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स केते अछि 50,000 तो गोटे काम कर 50,000 को काढ़ दि 50,000 को कौन कर दि काढ़ दि आ रहा केते आ स्पेशल टैक्स रेट 50,000 माइनस कर दि आ रहा केते 5,50,000 केते रहा 5,50,000 5,50,000 रो 5 लाख एग्जेम्प्टेड आगे नहीं आ रहा केते 50,50,000 केते एट द रेट ऑफ केते परसेंट 20% केते 10,000 स्पेशल टैक्स अमाउंट केते केते 50,000 तापर टैक्स रेट केते केते परसेंट 15% तो आप सीधा तुमको 15% देवाप पड़ो तो केते 7,500 तो 10,000 प्लस 7,500 केते हला तो 17,500 हम करेक्ट आंसर तो बुझिपाल स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम जब रहा टोटल इनकम भितर केमती कैलकुलेशन हे तो कौ कौ टैक्स इनकम स्पेशल रेट किए ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या उपरे लिस्टेड शेयर आउ यूनिट्स टैक्स रेट के 10 टका हेल्ले भी कते परसेंट 15% बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आधी मिल तापर कह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 ए रे कवर होने से लिस्टेड शेयर आउ यूनिट पर कते परसेंट 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 रे कवर होदर तामने मन रख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जदि तो सी जब शेयर आउ यूनिट है 10% अदर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर यूनिट पर कते परसेंट 10% अदर उपर है कैसे 20% विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा ये कते परसेंट 30% तो जदि टोटल इनकम जदि तुम टोटल इनकम ये स्पेशल रेट वाला इनकम अच्छी कौन अच्छी टोटल इनकम ये स्पेशल रेट वाला इनकम अच्छी तेल तुम प्रोसीजर कौन रग स्पेशल रेट वाला इनकम को कौन कर हटाओ ओके तापर बैलेंस इनकम देख बैलेंस इनकम कौन लगाओ स्लाब लगाओ टैक्स कंपटीशन कर स्पेशल इनकम उपर स्पेशल रेट मल्टीप्लाई कर कौन कर टैक्स लगाओ दुटा जाक मिसाओ एग्जांपल मुझे यह नहीं थी कि जदि आमर 6 लाख टोटाल इनकम जो थे स्पेशल रेट वाला टैक्स के 50,000 तेल 6 लाख रु 5 लाख आ 10 लाख 20% 1 लाख 20% लगे नहीं आदि 50,000 हटव तो कैसे रहा कैसे रहा 5,50,000 5,50,000 5 लाख कटिगला आ रहा के 50,50,000 कैसे परसेंट तमें आज पर स्लाब के अमाउंट 10,000 स्पेशल रेट ऑफ इनकम के 50,000 तापर सीधा लगे कैसे परसेंट 15% के 7,500 टोटल टैक्स के 17,000 बुझिपार जहाँ पढ़ेली सब बर्तमान लिखेबी तापर छुट्टी हम ना तुम देख आपर एग्जाम्पल स्टार्ट आपर तुम निजे देखुच ना कौन स्टार्ट कौन स्टार्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन केमी सल्व कर मो क्लास रे इतिक मन रख केबे कहबनी सारे छुट्टी कर दियंतु आम घर को पलू एस मत पसंद लगे सेमती कहले मुझे आस तुम कौन सारे आम जो पढ़ू आप कहे ना आउ पढ़ सेमती कहे आम भी आसबूनि लेख कनक्लूजन कनक्लूजन के समय लगे के समय लगे 15 मिनट तो मैक्सीम लगे ना अधिक लगे तो कनक्लूजन देख के मजा लगे देख सालेपुर रसगोला खाला भाई आज कनक्लूजन तुम लगे डायबिटीज का नहीं तो ओके सुनो मैट सब बंद करो सब मैट बंद करो केवल मैट ओपन रखी मु आउ समय तो बंद कर ओके तो नंबर वन कनक्लूजन नंबर वन कनक्लूजन रेट ऑफ कौन समय खातार कनक्लूजन लेख आ तुम इम्पोर्टेंट किए कनक्लूजन कारण मैट रो प्रोविजन अच्छे बुझेदेली घर मैट भी मिल जाव मैट समस्त मिल समस्त मैट पढ़ कहबन कि आमको मिलनी आम कौन करूँ मिल जाव बट ये नोट्स लेख अगे कनक्लूजन प्रथम कनक्लूजन क्या रेट ऑफ टैक्स
याडे बुझ इंडिविजुअल इंडिविजुअल कौन कर कौन कर भाग कर कौन कौन रेसीडेट किए आ कौन बा नॉन रेसीडेट किए ओके जदि रेसीडेट है जदि रेसीडेट है तेल तीन प्रकार केते प्रकार तीन प्रकार सुन भेरी सीनियर सिटीजन कब सारे एपटे कहीं रखिले एपटे रखिली सहज हम बोली एपटे रखिली आग क्या रखिली भेरी सीनियर सिटीजन आउ से भेरी सीनियर तुम आग ही नब बस उठिले आग बसइब तापर किए सीनियर सिटीजन सीनियर वाला कौन कौन जान तुम एपट जाओ कि एपट जाओ आम सब कौटी मझीरे तेणुक सोनिया व्यस्त होनी कारण कौन से सब मझीरे तापर कौन नॉर्मल बुझिपाल जान ना नॉर्मल पे जहाँ रेट नॉन रेसिडेंट पे सही रेट ए बुझिपाल कहीं पटे रखी थी नॉर्मल नॉर्मल पे जहाँ रेट नॉन रेसिडेंट पे से रेट अच्छा नॉन रेसिडेंट रो कैटेगरी अच्छी वेरी सीनियर सीनियर नॉर्मल नॉर्मल जहाँ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट भी कौन से मैंने गोटे फॉरेनर जहाँ को 90 वर्ष से आसला आम इंडिया कहले आमर 30 वर्ष पिला भाया तुम्हें भी दौड़ कारण कौन आमर 30 वर्ष जी कौन नॉर्मल तर सी कौन नॉन रेसिडेंट बट वेरी सीनियर आसा कथा कि आम क्या सागे रखिले नॉर्मल तेणुक फॉरेनर आसे आम दया ना तुम्हें सी जिते वयस्क भी आम कौन कह आम यंग जेनेसन जमी खटुं तुम्हें भी सेमती खट तेणुक दुज सामान कह के प्रथम के फास्ट 2,50,000 पांच परसेंट नील मन पड़ी ओके नेक्स्ट 2,50,000 नेक्स्ट 2,50,000 के 5% सुन ये फास्ट 5,00,000 कवर हो गला जान जाना ये इनकम फास्ट कई शुणु न इनकम फास्ट 5,00,000 कवर हो गला इनकम नेक्स्ट 5,00,000 समस्त कौन के 20% इनकम बालान्स समस्त कौन सामान के 30% सॉरी तुम ये काटनि एमती गार काट दियो अरे मुझे तैयारी करुच्छे तुम सेमती तैयारी कर ये जिन कंप्यूटर कर पारे नुले खात देली ये जिन लैपटॉप कर था मुझे मैट्रे प्रिंट रखीदे था मुझे लैपटॉप कर पारे बहुत चेषा कले पारानी से पलैला ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आड़ को पलैला ताने कौन 5,00,000 आउ बालान्स ये समस्त कौन ये समस्त कौन सामान केवल डिफरेन्ट अच्छे क्या फास्ट 5,00,000 केवल डिफरेन्स क्या अच्छी फास्ट 5,00,000 तब कह एम फास्ट 5,00,000 कौन सीनियर आम फास्ट 5,00,000 एम फास्ट 5,00,000 के 0 तो नेक्स्ट 5,00,000 बालान्स तो सामान ना एम फास्ट 5,00,000 के 0 एम नेक्स्ट 5,00,000 20% बालान्स बैलेंस 30% तो ये फास्ट 5,00,000 पड़ेगा एम फास्ट 5,00,000 ना फास्ट 3,00,000 के 0 चो फास्ट 3,00,000 के 0 नेक्स्ट ये जो बॉक्स भितर मुझे रखुच्छी क्या फास्ट 5,00,000 तो वन्स 3,00,000 पड़ेगा ना नेक्स्ट के 2,00,000 कते परसेंट 5% इंडिविजुअल कवर हो गला किए कवर हो गला इंडिविजुअल कवर हो गला ईओपी कौटी आसव ईओपी कौटी आसव बुझिपाल बीओई कौटी आसव एजेपी कौटी आसव एचओपी कौटी आसव
पहले कौन कनक्लूजन हाँ ना नहीं बा तो समस्ते सरीगले आ रहा केवल फार्म आउ किए तो लिखे फार्म फार्म जमितिया फार्म होमितिया फार्म होते परसेंट जमितिया फार्म होते परसेंट 30% तापर किए रहा कंपनी कौन चेक कर कौन चेक कर डोमेस्टिक आउ किए किए बा फॉरेन फॉरेन है मैंने के तुम कहीं फॉरेन पे दया मुझे जानी पार्नि फॉरेन रेते डोमेस्टिक है मैंने पुणी दिभाग टर्न ओवर कहले टू टीओ मैंने कौन टर्न ओवर किंबा जीआर कहले ग्रॉस रिसीप्ट कौ वर्ष प्रीवियस ईयर 16-17 असेसमेंट ईयर नो प्रीवियस ईयर 16-17 ग्रेटर देन नहीं नहीं लेस देन इज इक्वल टू 250 क्रोर कहले टैक्स रेट केते टैक्स रेट के 25% अदर केस टैक्स रेट के 30% अदर केस रहा 30% 30 ही लिखी 30 ही लिखी रेट ऑफ टैक्स सर गला तापर कंक्लूजन नंबर टू कंक्लूजन नंबर टू डेट ऑफ बर्थ स्टेटस फॉर आरपीवाई 18-19 डेट ऑफ बर्थ स्टेटस फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन डेट ऑफ बर्थ स्टेटस फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर तो डेट ऑफ बर्थ विशेष मन रखिबो ओके देखो 1/4/1/4/39 और कौन बा बिफोर 1/4/39 कि पूर्व स्टेटस कौन वेरी सीनियर सिटीजन अच्छा 39 सरीगला तो 2/4/39 to 1/4/59 2/4/39 to 1/4/59 कौन आ टैक्स टारगेट 90+ कौन मान टैक्स टारगेट मार्क के 90+ सही हिसाब से मुझे पढ़ेबी लास्ट बैच तुलन में टैक्स कोर्स फीस 200 times बढ़ी 200 times ता मैंने जी थी ये तार डबल डबल हो जाए लास्ट में टैक्स मांगना बढ़िया होता तापर कह नाई 2/4/59 और कौन बिफोर ना आफ्टर बिफोर करदे खेल सरीगला 2/4/59 और आफ्टर कौन हम नॉर्मल ये कह बर्थडे सेलिब्रेशन बर्थडे कौन सेलिब्रेशन 1/4 मीन्स एज कंप्लीटेड केबे 31 March क्वेश्चन एग्जाम एमती क्वेश्चन आसव तुम्हें जो बर्थडे केक काटिच तार बिल डेट पड़ी 1/4/2019 तुमको इयर पुरला केबे पुरला आ तुम जो बर्थडे जो दिन पालन कर सही दिन तो बिल काट ना तुम दबनी तो डायरेक्ट देदेव कह बर्थडे सेलिब्रेशन 1/4 तुम एज कौ दिन कम्प्लीट हो दिन नुहता
पूर्व दिन भाभी चिंतिकी जवाब दबा ओके ये सरीगला तीन नंबर कनक्लूजन कह टैक्स एंड इनकम विल बी राउंड अप टू कौन बा नियरेस्ट 10 टैक्स एंड इनकम विल बी राउंड अप टू नियरेस्ट 10 ये तीन नंबर कनक्लूजन मिलगला चार नंबर कनक्लूजन आम पढ़िया कौन पे बा कौन पे सरचार्ज पे चार नंबर कनक्लूजन आम कौन पे पढ़िया सरचार्ज पे तो कह लेख आशीष टोटल इनकम रेट ऑफ कौन सरचार्ज आ कंक्लूजन वाला नोट को भलसे बनैब तुम डेली बसिकी आ प्रोविजन पढ़ी पारे डेली कौन पढ़ी पार कंक्लूजन आ डेली यदि कंक्लूजन न पढ़ टैक्स मन रही आसेस टोटल इनकम रेट ऑफ सरचार्ज को आसेस आई आई मैंने इंडिविजुअल एच मैंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शॉर्ट लिख लिखा जाए ना ए मैंने एओपी बी मैंने बीओआई एक्शन जैक्शन एजे गोटे पिक्चर आसाला एक्शन जैक्शन तो कौन टा क्या देखो एजे को बुलाओ तो किए सी एजे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो ये मानकर टोटल इनकम जब 50 लाख कते 50 लाख और लेस तले रेट ऑफ सरचार्ज कते जीरो कते जीरो कारण अप टू 50 लाख तंगर सरचार्ज नहीं ग्रेटर देन 50 लाख बट लेस देन इज इक्वल टू 1 करोर बट लेस देन इज इक्वल टू 1 करोर के 10% सरचार्ज ग्रेटर देन 1 करोर तो रेट के 15% एग्जैक्ट 1 करोर हेल्ले कौटे आसब एग्जैक्ट 1 करोर हेल्ले कौटे आसब समय कह के 10% कारण लेस देन ना इज इक्वल टू तो ये कहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एक्शन जैक्शन तापर कह आसेस फार्म किंबा कौन फार्म किंबा एलएलपी से मानकर इनकम जदि 1 करोर और लेस है 1 करोर और लेस ताहले से मानकर सरचार्ज के 0 ग्रेटर देन 1 करोर जिते हो केते परसेंट 12% आउ किए आसे सी दरकार तुम के दरकार डोमेस्टिक कंपनी 1 करोर एक्जाक्ट है कौन हम 0 लिखेज ना 1 करोर और लेस इंग्लीश बुझ न ग्रेटर देन 1 करोर के परसेंट 12% आउ कौन दरकार आसे सी डोमेस्टिक कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी लिख से इनकम जदि 1 करोर और लेस है कौन 1 करोर और लेस है कौन 0 ग्रेटर देन 1 करोर लेस देन इज इक्वल टू 10 करोर ग्रेटर देन 1 करोर लेस देन इज इक्वल टू 10 करोर ताल से रेट रहा कत परसेंट 7% ग्रेटर देन 10 करोर हेले से रेट रहा 12% तो
तापर कौन रहला फॉरेन कंपनी सही ये जहाँ से या डोमेस्टिक कंपनी जहाँ फॉरेन कंपनी ठीक से या केवल सेवेन आउ ट्वेल्व जगह सेवेन आउ ट्वेल्व जगह केते परसेंट नवा केते टू आउ फाइव तो वन क्रोर हेले और लेस केते जीरो ग्रेटर देन वन क्रोर लेस देन इज इक्वल टू टेन क्रोर केते परसेंट टू परसेंट ग्रेटर देन टेन क्रोर केते परसेंट सॉरी केते परसेंट फाइव परसेंट खाली गोटे छोटिया नोट लेख टेबल कंप्लीट करो छोटिया नोट लेख लेख सरचार्ज 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 इज ऑलवेज ए सब्जेक्ट टू सरचार्ज इज ऑलवेज ए सब्जेक्ट टू कौन लिखल सरचार्ज इज ऑलवेज ए सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ की रिलीफ मार्जिनल रिलीफ रिलीफ जान ना गवर्नमेंट दिए रिलीफ दिए टैक्स रे गवर्नमेंट रिलीफ दबा से रिलीफ कौन कहते ता माने जेबे भी सरचार्ज लागुची सरचार्ज संगे को कांसेप्ट लागि जीवो मार्जिनल रिलीफ बट ए मार्जिनल रिलीफ कौन आज क्लास रे हम कवर करि परबा नाही आगु नेक्स्ट क्लास रे कवर करबा खाली तो खाता बंद करि पकेला हो नेक्स्ट कंक्लूजन आ गुटे बाकी अछि बा सार दबो लास्ट कंक्लूजन केते नंबर कंक्लूजन अरे लास्ट कंक्लूजन लास्ट कंक्लूजन केते फाइव तो लेख फाइव कंक्लूजन द फॉलोइंग फॉलोइंग्स आर स्पेशल इनकम ये सब स्पेशल इनकम हैविंग की रेट स्पेशल टैक्स रेट द फॉलोइंग्स आर स्पेशल इनकम हैविंग की रेट स्पेशल टैक्स रेट शुण आपको कहीं स्पेशल इनकम कह गला ना मानक की टैक्स रेट अच्छी स्पेशल टैक्स रेट अच्छी तमें एम बेसिकी जो स्लाब थिला ता भीतर आसबेन एम अलग कैलकुलेशन हम कौन कौन लेख एस टी सी जी एस टी सी जी क्या पर सेयार अब्लिक कौन बा यूनिट्स एस टी सी जी कहले सटर कैपिटल गेन क्या पर सेयार आउ यूनिट्स कौ सेक्शन हिसाब से वन 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 ए सेक्शन मन रखा दरकार नहीं बट स्पेशल जगह मन रख वन 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 एम कत परसेंट फिफ्टीन परसेंट तुमक सर आम पढ़ते कौन फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट सी अलगपाई एम नुह एम स्ट्रेट केत परसेंट फिफ्टीन परसेंट आपको छाड़ी आज जहाँ रही के फाइव ना फिफ्टीन सरी ट्वेंटी ना थर्टी ना फर्टी ना एक्सेट्रा तो सेमती एल टी सी जी जोटी आसला एस टी सी जी तापर पर किए आस एल टी सी जी जदि आसला सेयार पब्लिक क्या अच्छा सेयार कहले लिस्टेड सेयार अनलिस्टेड हेल्ला हमें कौन लिस्टेड लिस्टेड मानते जो सेयार स्टॉक एक्सचेंज रे बिका होती कहते लिस्टेड ना सुनि ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ये जो कंपनी सेयार बिका होती से कि सेयार लिस्टेड तो लिस्टेड आउ सेयार यूनिट्स जब आसला तो सेक्शन केतज वन वन टू ए शहे एगार पर कमर टैक्स रेट के परसेंट टेन परसेंट केत परसेंट टेन परसेंट जल्दी एल टी सी जी है अदर आसेट कौ आसेट अदर आसेट ताले सेक्शन हो वन वन टू सेक्शन केते वन वन टू एम टैक्स रेट आसीज केत परसेंट ट्वेंटी परसेंट तापर लेख विनिंग फ्रॉम कौन लॉटरी नॉले क्रॉसवर्ड क्रॉसवर्ड पजल
कार्ड गेम, कार्ड गेम, रेस, रेसेस, घोड़ा दौड़, ऑटो दौड़, हॉर्स रेस, कैमल रेस, बेले बेले बे हो ची कौन, मंकी रेस, कार रेस हो ची, तो रेसेस, तो आपको गोटे काम कर दियो, ये आम पे गैम्बलिंग एक्टिविटी की एक्टिविटी जुआ खेल भाग्य उपर साथ दौर मो घोड़ा टाइम ठिया करदे तुम गोटे घोड़ा ठिया करदे दुटा घोड़ा कहले दौड़ जी आगे दौड़ जा पहुँचब सी लक्ष टा नब तो ये क्या डिपेंड कर भाग्य पर तुम कहे घोड़ा उपर शुण तुम घोड़ा सपोज दौड़ानी तापर से घोड़ा अवस्था कौन कर तुम्हें मुझे जान तो ये सब रेसेस जदि आसला ताले ये सेक्शन 115 बीबी कते सेक्शन 115 बीबी तो ये मानक टैक्स केते परसेंट कुआ गला जदि बहुत भाग्य तुमको साथ दउची ताले भगवान तुम सपोर्टर अछंती ता माने तुम लॉटरी इनकम कर देला हां कि नहीं एबे सरकार भी तुम संगे रछि नले तुम्हें सरकार संगे रुओ केते परसेंट दबो केते परसेंट 30% तो ये बुझ स्पेशल रेट ऑफ इनकम रहिले शुण स्पेशल रेट ऑफ इनकम रहिले टैक्स केमती कंपटीशन कर कंप्यूटर टोटल इनकम कंप्यूटर कौन टोटल इनकम ये लिखि दियो एग्जांपल अलग क्लास अलग कथा टैक्स क्लास अलग कथा मो ब्लड रे टैक्स कनसेप्ट सब अच्छे से दिन मो प्रेसर बढ़ीगला तो शुण इड़े बुझ टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम 10 लाख इनक्लूड्स इनक्लूड्स लॉटरी इनकम 1 लाख लॉटरी इनकम कते 1 लाख एलटीसीजी ब्राकेट रे अदर एसेट एलटीसीजी ब्राकेट रे कौन अदर एसेट 2 लाख कंप्यूट टैक्स कब सारे आसेसी किए नॉर्मल आसेसी किए नॉर्मल बुझिपाल लगा आंसर आंसर टोटल इनकम के 10 लाख लख टोटल इनकम टोटल इनकम के 10 लाख कौन प्रोसीजर स्पेशल इनकम को बाध्य स्पेशल इनकम को बाध्य स्पेशल इनकम ये कतेटा अच्छी दीटा मुझे जो लिखुसी सेम लिख मन मन हो कहीं आइलु कि क्लास चैप्टर तो 2 घंटा 1.5 घंटा छाड़े पुणी एटी 2-3 घंटा मुझे कौन करी कहीं आसते कि मुझे डाकि कि टोटल इनकम केते बा 10 लाख तादर स्पेशल इनकम अच्छी तो स्पेशल इनकम को अलग कर स्पेशल इनकम दुटा अच्छी लॉटरी केते 1 लाख एलटीसीजी केते एलटीसीजी केते 2 लाख तो बैलेंस केते रहला बैलेंस कहले नॉर्मल इनकम बैलेंस कहले हम पिंक इनकम नॉर्मल इनकम तो नॉर्मल इनकम केते केते बा 7 लाख 7 लाख को एबे स्लैब लागिवो 7 लाख को कौन लागिवो एज पर कौन स्लैब रेट 7 लाख पे हिसाब आज पर स्लैब रेट स्पेशल इनकम आज पर कौ रेट स्पेशल रेट स्पेशल इनकम आज पर स्पेशल रेट नॉर्मल इनकम हम कौन आज पर कौन बा स्लैब रेट तो कह के नॉर्मल इनकम रहा नॉर्मल इनकम के बुझिपारि 10 लाख रु 2 लाख आ 1 लाख दुटा मिसले के 3 लाख 3 लाख अटिगला नॉर्मल इनकम के बचपाला 7 लाख 7 लाख रु फास्ट 2 लाख 50
ট্যাক্স কেতে জিরো মু লিখিলি ফাস্ট আউ তুমি কিছু কইপারিবনি ফাস্ট 2,50,000 ট্যাক্স কেতে জিরো কাহিঁকি না মু আসেছি কোন কইছি নর্মাল তো ফাস্ট 2,50,000 কেতে কেতে বা জিরো নেক্সট 2,50,000 কেতে 2,50,000 ইনটু কেতে পরসেন্ট বা 5% কেতে কো ক্যালকুলেশন করি 2,50,000 ইনটু 5% 12,500 তো 2,50,000 2,50,000 কেতে হইগলা 5,00,000 তার টোটাল কেতে 7 আর ব্যালান্স কেতে রইলা ব্যালান্স কেতে রইলা 2,00,000 তো 2,00,000 কো ক্যাটাগরি রে আসিব 20% ক্যাটাগরি রে তো ব্যালান্স 2,00,000 ব্যালান্স 2,00,000 ইজ ইকুয়াল টু 2,00,000 ইনটু ইনটু 20% কেতে 40,000 তা নর্মাল ট্যাক্স হলা 52,500 লটরি ইনকম উপরে ট্যাক্স আট দরে এটা কেতে পরসেন্ট ভুলি গেল সব উপরে লেখা হয়েছে লটরি ইনকম উপরে ট্যাক্স আট দরে এটা কেতে 30% সেকশন কোণ 115 বিবি মানে ভাগ্য উপরে ভরসা বা ভাগ্যকে ভরসা কোণ বিবি তো 115 বিবি লক্ষে টাকা উপরে 30% কেতে কেতে বা এটা লক্ষে টাকার 30% বি কোণ 30,000 এলটিসিজি আট দর এটা কেতে পরসেন্ট অদর আসেন না কেতে 20% তো 2,00,000 20% কেতে 40,000 তো টোটাল ট্যাক্স কেতে 52,500 30 আউ 40 লেখ টোটাল ট্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু টোটাল ট্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু 52,500 প্লাস 30 প্লাস আউ পার্টির কথা বাহু তোমার 40 সার কোণ অত্যাচার কলা ভাল করুন পার্টির কথা বাহার বাড়াইলে বি আমি আন্দিবুনি আখির লুহ বাহার পছে পার্টির কথা বাহার কেত হল 1,22,000 এত টাকার ট্যাক্স তা সহ পুনি যদি সরচার্জ লাগিয়া কথা লাগি থা পুনি এজুকেশন শেষ এক্সট্রা বাকি আমি নেক্সট ক্লাসে পড়ি বন্ধ করি।